चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन ने पहले देखा था, मैंने आपको लास्ट क्लासेज में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो स्पेशली दे रखा है BSc पार्ट थर्ड की बुक फर्स्ट। जो पेपर आप लोगों के पास फर्स्ट है, कोडेटा एंड MSc फाइनल जूलॉजी कोडेटा। इसका एक एनिमल है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, हर्डमानिया। हर्डमानिया जिसे अपन सी स्क्विड्स या समुद्री फौरा भी कहते हैं। ये जो हर्डमानिया हैं, ये फाइलम आता है कोडेटा में, तो राइट डाउन कर लेंगे इसको, कौन से फाइलम में आता है ये, कोडेटा में, और इसका सब फाइलम है यूरोकोडेटा। कौन सा है? यूरोकोडेटा। ठीक है, स्पेशली ये जो एनिमल होता है, ये डीप वाटर में या जो समुद्री वाटर होता है उसके अंदर पाया जाता है। सी स्क्विड या समुद्री फुआरा इसलिए कहते हैं कि जब इसके आसपास के अंदर, ठीक है, जो पानी होता है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने दो जो छिद्र होते हैं, जिसको अपन ब्रैंकियल और एट्रियल पोर या साइफोन कहते हैं, उसकी सहायता से बाहर निकाल देता है। जब वो पानी बाहर निकलता है तो वो फुआरे के रूप में प्रदर्शित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सी स्क्विड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें टॉपिक लगा के लिख लेंगे स्ट्रक्चर। राइट डाउन इन दिस, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले शेप, इसकी शेप, साइज और इसका कलर। भाई किसी भी एनिमल को जब अपन देखेंगे तो फर्स्टली ये तो पता होना चाहिए ना कि वो किस शेप का है, किस साइज का है, क्या उसका कलर होता है। लिख लेना इसमें, यह है चपटा या रेक्टेंगुलर होता है। चपटा यानी जैसे अपनी हाथ है ना, इसके प्रकार, इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या होता है, चपटा होता है। नेक्स्ट लाइन में यह है बैग, पटैटो या छोटे पर्स के समान, जो अपन वॉलेट रखते हैं ना, उस पर्स के समान प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट लाइन में इसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 7.0 सेंटीमीटर एवं इसकी थिकनेस, मोटाई लगभग 4.0 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट लाइन में इसका कलर पिंक कलर का होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इसके आउटर कवरिंग या जिसे अपन क्या कहते हैं, टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना, इसकी बॉडी टू पार्ट से डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है बॉडी प्रॉपर और सेकंड होता है फुट। बॉडी प्रॉपर और फुट, ठीक है। हैप्पी सिंह बना ले, हैप्पी सिंह में लिखेंगे इसकी बॉडी एक कवरिंग जिसे टेस्ट कहा जाता है, इसके द्वारा कवर होती है। चलिए, तो एक इमेज मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि जो सी स्क्वायर जिस समुद्री फुआरे की अपन बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से शो होता है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, हर्डमानिया की। ठीक है, दो पोर आपको यहाँ पर सीन हो रहे हैं, फर्स्ट वन
इज ब्रेंकियल और सेकेंड वर्ड इज अ एट्रियल। ठीक है, ये जब धाराएं जो वाटर फ्लो होता है जब वो तेज होता है तो उसके साथ ये बहके कहाँ जाते हैं, तटीय क्षेत्रों की तरफ आ जाते हैं। ये मूवमेंट दिख रहा है आपका, ये जो उसका ब्रेंकियल पोर है ये क्या हो गया है, ओपन हो गया है इस इमेज में, एंड सेकंड एट्रियल पोर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, ये क्लोज और ये वापस कहाँ चले जाएंगे, वाटर के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है, एक फुहारे के समान क्या कर रहे हैं, ये वाटर को अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। चलिए तो अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, हार्डमानिया के बारे में। तो अपन ने देखा कि इसकी जो बॉडी होती है ये बॉडी टू टाइप से डिवाइड होती है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं बॉडी प्रॉपर, क्या बोलते हैं, बॉडी प्रॉपर। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिस पार्ट से ये क्या होता है, जो चट्टाने होते हैं या जो पत्थर होते हैं उनसे क्या रहता है, अटैच रहता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फुट बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने दिखाया, जो इमेज दिखाई इस वीडियो में, उसमें आपने देखा कि इसके कितने पोर होते हैं, दो पोर होते हैं। पहला पोर होता है इसका ब्रेंकियल पोर, कौन सा होता है, ब्रेंकियल पोर, और दूसरा होता है एट्रियल पोर, कौन सा होता है, एट्रियल पोर। ठीक है, तो इसमें राइट डाउन करें, फर्स्ट पार्ट किसके बारे में लिखेंगे अपन यहां पर, बॉडी प्रॉपर के बारे में। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन इज द बॉडी प्रॉपर, या इसको शरीर का मुख्य भाग भी कहा जाता है। तो राइट डाउन कर लें इसके अंदर, यह है मेन बॉडी पार्ट होता है। नेक्स्ट लाइन में यह है बेस पार्ट से, ये जो बेस पार्ट है ये वाला, इससे लंबा एवं चौड़ा होता है। नेक्स्ट लाइन में इसके ऊपरी सिरे पर दो छोटे साइपोन्स या फनल के समान पोर उपस्थित होते हैं जिन्हें ब्रेंकियल पोर या ब्रेंकियल साइफोन एवं एट्रियल साइफोन कहते हैं। कितने पोर हैं जी, दो पोर, कौन कौन से, ब्रेंकियल और एट्रियल। ठीक है, तो लिख लीजिए कितने पोर है अपने पास, दो पोर आ गए, तो दोनों पोरों के बारे में लिख लीजिए। पहले इस तरफ लिख लीजिए ब्रेंकियल, ब्रेंकियल साइफोन एंड एट्रियल साइपोन या पोर। ठीक है, तो राइट डाउन द फर्स्ट वन, ब्रेंकियल साइपोन लिखना है इसमें। यह है सेम प्लान या जिसको अपन बोल सकते हैं एक सतह पर होता है, यानी एक तरफ होता है। कहने का मतलब ये हार्डमानिया है तो उसकी एक सतह पर, इस तरफ तो क्या होता है ब्रेंकियल और दूसरी तरफ क्या होता है इसके अंदर एट्रियल। अगले में लिखना है एट्रियल के अंदर यह भी एक सतह या तल पर उपस्थित होता है। अगले में ब्रेंकियल साइफोन में यह छोटा लगभग एक सेंटीमीटर लंबा एवं बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये कैसा होता है बाहर की तरफ, और ये कैसा होगा अंदर की तरफ। ठीक है, एट्रियल साइफोन में लिख लेना यह है बड़ा लगभग 1.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कहने का मतलब बड़ा कौन सा होगा इसमें एट्रियल और छोटा कौन सा होगा ब्रेंकियल। नेक्स्ट ब्रेंकियल में इस पर सेंटर में एक पोर उपस्थित होता है जिसे ये वाला जिसे माउथ या ब्रेंकियल
अपर्चर कहते हैं? माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं। यह है चौड़ा होता है। अगले में एट्रल साइपोन में यह है कम चौड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हैप्पी सिंह, हैप्पी सिंह में लिखेंगे साइपोन या पोर चार लोबीज या लिप्स के द्वारा, LIPS लिप्स के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक लोबीज पर गहरे रंग की लाल रेखाएं पाई जाती हैं। ये चार लोबीज हो गई और क्या है, इन पे गहरे रेड कलर की रेखाएं पाई जाती हैं। यह है टेस्ट से बनी होती हैं, यानी इसका जो बाह्य आवरण होता है वो मैंने अभी भी बताया था आपको क्या होता है, टेस्ट। तो ये जो लोबीज होती हैं किससे बनी होती हैं, टेस्ट से बनी हुई होती हैं। रेड कलर क्यों होता है इनमें, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स क्या करती है, मूव करती है। नेक्स्ट लाइन में यह है बैरियर या कंस्टिट्यूशन होने पर बंद हो जाती हैं, यानी कहने का मतलब कोई अनवांटेड इफेक्ट है यहाँ पर, या कोई भी मान लीजिए एनिमी इसके पास आ रहा है तो ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, अगेन ओपन हो जाती हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो पहला अपन ने बात कर ली किसके बारे में, बॉडी प्रॉपर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर इसकी बॉडी का फुट कौन सा है, फुट। तो सेकंड वन इज फुट, पाद जिसको आप लोग बोल सकते हैं, पैर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें यह है टेस्ट या टूनिक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट लाइन में मिट्टी के कणों, कवचीय टुकड़ों या अन्य पदार्थों से चिपकने के कारण यह भूरे काले रंग के प्रदर्शित होते हैं। यह सामान्यतः खुरदरे होते हैं, जिसके कारण यह आसानी से सतह पर चिपक जाते हैं। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इनका घर्षण कम हो जाएगा, आसानी से क्या होगा, किसी भी सतह पर चिपक जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में फुट साइज एवं शेप में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह है 3 से 4 सेंटीमीटर, इनकी जो विड्थ है वो कितनी है, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े एवं लंबे हो सकते हैं। यह है बैलेंस का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये तो थी इसकी जर्नल हार्डमानिया के बारे में, अपन ने यहां पर इंट्रोडक्शन देखा था। नेक्स्ट क्लास, इसी की जो सेकंड क्लास होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्यूनिक एंड टेस्ट एंड ट्यूनिक, जो कि हर बार पूछा जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो ये वीडियो देखें, और सेकंड इसके बाद जो वीडियो है उसको देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें। थैंक यू।